مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان شجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تبصروا الميزان رضي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
रमजान का पाक महीना और यहाँ पर इफ्तार पार्टी हो रही थी, क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह से इबादत करते हैं इस महीने में? तो आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने रोज़ा खोलने के बाद कैसे इबादत की, और हमारी प्रोड्यूसर ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है जो कि इस रिलीजन से कहीं दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। अपनी भाभी पंजाबी हैं लेकिन सबका ख्याल रखते हुए उन्होंने आज एक एकता की मिसाल कायम की है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कह लें, ये हिंदू है मुस्लिम, लेकिन हमारे वहाँ इस इंडस्ट्री में ऐसा ज़रा सा भी कुछ नहीं है। वो आज आप लोगों ने देखा किस तरह से अरेंजमेंट कराया, बाकायदा हम लोगों ने इसके बाद नमाज भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। सो सब सिर्फ प्यार है सबके बीचों में, तो जो आग लगाते हैं मैं उनसे कहूँगा कि भाई हमारे प्रोड्यूसर को देखें आप। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप गुजराती हैं, हाँ जी, यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना खुशी हो रहा है? और तो ये देखिए, इफ्तार पार्टी हम हर साल करते हैं, हम जहाँ भी शूट करते हैं टीवी इंडस्ट्री में, हम पिछले 6 साल से हम शो कर रहे थे चिड़ियाघर, वहाँ रोज़ इफ्तार 30 डेज पूरी इफ्तार चलती थी, ईद की पार्टियाँ होती थी। तो ये कहीं नहीं है कि हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से रहते हैं। और जैसे अनस ने कहा कि जो इस तरह की हेट्रेड फैलाते हैं उनके लिए एक ये मिसाल है कि देखिए हिंदू मुस्लिम पंजाबी सब साथ में रह सकते हैं, और हम रहते हैं, हम एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। स्पेन में भी हम लोग खूब मज़े किए हमने। तो भाभी आप भी कुछ बोलिए, हाँ। हमारे लिए दो वर्ड भाभी से, हमारे सवाल करें, हमारे ये करता धरता हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बस मेरा मानना यही है कि जैसे अनस ने बोला है अभी कि हम सब एक हैं, किसी में कोई ऐसे हम किसी को अलग नहीं समझते हैं। मैं खुद पंजाबी हूँ बट मैं चाहती हूँ कि हम सब एक होकर आगे बढ़ें, और जो लोग ये कास्ट के रिलेटेड जो भी बोलते हैं गलत है, वो ऐसा कुछ भी ना आगे होना चाहिए ना होगा। अगर ये सोच हम सब एक जैसे रखें तो हिंदुस्तान में कोई ना कोई जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं होगा, बस मेरा मानना यही है। मैं तो बचपन से ईद सेलिब्रेट करती आ रही हूँ, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी डैड के जितने भी फ्रेंड्स थे मुस्लिम्स, हर क्रिश्चियन, हर रिलीजन के थे, तो कोई सेलिब्रेशन का मौका नहीं छोड़ते हैं, बिकॉज हमारे फ्रेंड्स हमारे घर पे दिवाली मनाने आते थे। वी यूज टू गो फॉर द ईद, सो दिस इज़ नथिंग न्यू टू मी, ऑल्दो बीइंग इन इंडस्ट्री तो और सब कुछ न्यूट्रल है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मैम दैट शी इज सेटिंग एक्चुअली न्यू एग्जांपल्स, बट या आई एम एंजॉयिंग इट एंड इट्स अ सेलिब्रेशन। सो बाय द वे हैप्पी रमजान एवरीवन। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आप मेरा ड्रेसअप देख सकते हैं, ज़्यादातर बोला जाता है कि ये मुस्लिम कैसे पहनते हैं, बट मैं एक सिंधी हूँ, और मैं इस जो हमारी आज इफ्तार पार्टी है और जो हमारे मुस्लिम्स है, वी आर यू नो हम लोग उसके बहुत क्लोज हैं आनस के एवरीबॉडी, एंड थैंक यू मैम फॉर दिस इफ्तार पार्टी, इट्स वंडरफुल, थैंक यू। हमारे फिल्म में जान डाली है वन एंड ओनली, आप लोगों को बहुत जल्दी इनका गाना सुनने को मिलेगा, और मैं ऐसा नहीं है कि मेरी हम लोगों की फिल्म का गाना है तो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वो आने वाले वक्त का डेफिनेटली सुपर हिट गाना रहेगा, क्या बोलते हैं? सारे आई थिंक सारे गाने बहुत ही हमेबल हैं, सोलफुल हैं, और मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा गाना किया। दिलशाद भाई ने बहुत मजे, दिलशाद भाई आप कुछ बोलिए अभी। हाँ जी, बस मैं शुक्रिया अदा करूँगा दिव्या फिल्म्स का, विक्रम जी का, मैम का, सारी टीम का कि आज उन्होंने जो ये इफ्तार पार्टी रखी है, और बस दुआएं कि आगे खूब तरक्की हो और फिल्म सुपर डुपर हिट हो। आमीन। सर क्या कहना चाहेंगे, रमजान का पाक मौका है और यहाँ पर इफ्तार पार्टी सेलिब्रेट की जा रही है? भाई देखिए, एक की है, एक इंडस्ट्री है हमारी, इसमें ना तो हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, एक एक फैमिली है, तो हम लोग कोई मौका नहीं छोड़ते जो कि एक साथ एंजॉय करने का, साथ में मिलने का। तो वही होता है कि यही इच्छा थी कि चलो एक साथ बैठने का, फिर कि हम लोग भी एक महीना बाहर थे, और मैं 4-5 महीने से कंटिन्यू फिल्म के लिए बाहर था, तो सबसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, सबसे नहीं मिल पा रहा था, तो इसी में कि चलो एक अवतार पार्टी भी रखी जाए और सबसे मुलाकात भी हो। कितना यादगार था, किस तरह का अनुभव था, और जो शूट का अनुभव था वो बताइए कैसा था? अमेजिंग, मतलब जो हम सोच के यहाँ से गए थे, सब कुछ सोचा था कि अच्छा कहना, उससे भी बढ़कर बहुत अच्छा हुआ, हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, सबने बड़ा कोऑपरेट किया, सबने बड़ा अच्छा किया, खास करके इज़ अ बिग मॉन, इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया वहाँ पे। हमने मतलब फिल्म छापने नहीं गए थे, सबसे बड़ी बात है कि मैं फिल्म छापने के मूड में नहीं था, मैंने एक दिन में 5 सीन लिए आराम से, मतलब मैं फिल्म को करना चाहता हूँ, फिल्म बनाना चाहता हूँ, छापना नहीं, ये इच्छा थी। तो एक एक चीज़ बहुत ग्राफिक, एक एक चीज़ सोच के समझ के उसी हिसाब से किया मैंने सारा कुछ। तो परेश सर जैसे टैलेंटेड एक्टर आपके फिल्म के हिस्से, क्या कहना चाहेंगे कि इस फिल्म में किस तरह का जादू बिखेरेंगे अपने अभिनय से? क्लास, मतलब ये फिल्म में इतना बोल सकते, फिल्में बहुत सारी आ रही हैं
और भी कॉम्पिटिशन सबके साथ है। हर इंसान अपनी फिल्म के लिए बोलता है कि मेरी फिल्म बहुत अच्छी है, क्योंकि उसका बच्चा होता है, उसने एक बीज बोया होता है और अब उसको बड़ा करता है। हमेशा अपने हर इंसान अपने बच्चों को बहुत अच्छा कहता है। तो मैं ये बोलूँगी आप फिल्म देखेंगे और देखने के बाद आपके दिमाग में एक छाप छोड़ूंगा और आप याद करेंगे कुछ आया था नया। क्योंकि मैं इस फिल्म में दिमाग के ऐसे कोने भी चीज़ छोड़ के जाऊँगा कि आप बोलेंगे कुछ स्पेनिश और इंडियन कुछ मिलके कुछ हुआ है, कुछ हटके। तो मैं कुछ ट्रेन भी चेंज करना चाहता हूँ यहाँ का इंडस्ट्री का, जो बस भीड़ चाल में चल रहा है, एक लग गया तो सब उसी के पीछे लग गए, तो वो सब हम लोग नहीं चाहते हैं। हम कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं इस चीज़ से। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि आपका अनुभव कैसा था, क्या कहना चाहेंगे एज अ प्रोड्यूसर? बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए स्पेन में, और रियल पैलेस में शूट हुआ है ये फिल्म, तो ये भी एक बहुत यूनिक सेलिंग पॉइंट है फिल्म का, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, अभी हम शूटिंग करके आए हैं स्पेन से और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। हमारे सब स्टाफ का हमारे साथ में थे, सबका काम बहुत अच्छा था। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो मैंने सोचा है वो पूरा हो, ये फिल्म से मुझे कामयाबी मिले, बस यही मैं चाहती हूँ। बाकी सबका सपोर्ट है साथ में, तो थैंक यू। हरीश भाई, विक्रम जी सर के इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो किरदार है आपका, उसके बारे में या किस तरह से आप देखते हैं इस फिल्म को? देखिए, मैं जो भी काम करता हूँ मैं सोचता हूँ कि मैं रेगुलर या रिपीट ना करूँ अपने आप को। कोशिश करता है हर एक्टर, कोशिश करता है कुछ नया करने की। तो ये एक रोमांटिक थ्रिलर है, हॉरर है, सो मैंने ये जॉनर में कभी काम किया नहीं। तो जब विक्रम जी ने मुझे बताया कि ये हम एक रोमांटिक हॉरर बनाने जा रहे हैं, तो मैंने स्टोरी भी नहीं सुनी, मैंने सीरियसली यही कहा कि मुझे करना है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट की स्टोरी, जिस तरह से उन्होंने मुझे स्टोरी बताई, मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगी। क्योंकि ये रूटीन फिल्म नहीं है, थोड़ी हटके फिल्म है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ग्रैंड है। हमारी प्रोड्यूसर मैडम ने एक पैसा कहीं बचाया नहीं है, हो सका जहां एक रुपया चाहिए तो वहां दो रुपया खर्च किया है उन्होंने। और ये हम डेफिनेटली इतना तो कह सकते हैं कि फिल्म अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है। और हमारा ये जो दूसरा और तीसरा शेड्यूल जो बनने जा रहा है वो भी बहुत ही कमाल इंटरेस्टिंग है। आई होप कि ये उतना ही अच्छा शूट हो जितना हमने पहला शेड्यूल किया था। और स्पेन जैसी कंट्री में शूट हुआ है फिल्म, ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्म शूट नहीं हुई कंट्री में, तो कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट है और कितना कामयाब रहेगा ये एक्सपेरिमेंट? देखिए, कहीं भी आप यूरोप में कहीं भी चले जाएं, एक सीनिक ब्यूटी होती है, उसका जो उसकी जो स्काईलाइन होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, जो हमें ज़्यादा देखने नहीं मिलती हैं। बहुत ही सीनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी और कंट्री है स्पेन। और मुझे लगता है कि लोग स्पेन को जितना अब तक उन्होंने सिर्फ फ़ोटोज़ में देखा होगा, वो जब फिल्म में देखेंगे तो मुझे लगता है कि स्पेन का टूरिज़म बढ़ने वाला है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे परेशान सर ने कहा कि बहुत ही ग्रैंड शूट हुआ है, आपने उस सीन में सारे प्लेन यूज़ किए थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या? मैं एक शॉट था मेरा, मतलब एक लैंडिंग शॉट था हमारा, कि एक्टर्स एक ग्राफ लेके जा रहे हैं और एक जगलिंग है बहुत ज़्यादा, प्लेन्स की जगलिंग थी। तो उसमें मैंने कम से कम भी 54 प्लेन उड़ाए हैं और जगलिंग करवाई, और जगलिंग मतलब भी आप, ये सीन अमेजिंग था। मैं कोई ग्राफिक सीन नहीं कर रहा इसमें, रियल शॉट लिए मैंने पायलट के साथ, और एक एक आर्टिस्ट पायलट के साथ बैठा है, मतलब चाचा कैमरे वहाँ लगाए थे और अमेजिंग। हम पूरा एक दिन में, हमें ये शॉट मेरा पूरा दिन लगा मेरा पूरा शॉट लेने में, पर जो चाहिए था वो मैं लेकर आया हूँ। एक फिरोज हैं कोरियोग्राफर, मेरा बहुत अजीज दोस्त, जब मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे आया था तब से मेरे साथ है, और मेरी फिल्म के दो गाने कर रहा है, स्पेशल एक आइटम सॉन्ग कर रहा है और एक मेकअप से गाना कर रहा है, ये तो दो गाने मेरा भाई, मेरी फिल्म भी कर रहा है। गानों के बारे में बताइए, किस तरह के गाने होने वाले हैं, क्योंकि सर ने कहा कि रोमांटिक थ्रिलर है फिल्म, तो कौन से मूड? अभी तक तो सस्पेंस रखा हुआ है इसने, मुझे बोला कि दो तीन दिन के बाद तुझे बुलाता हूँ, गाना सुनाता हूँ, तो मेरे लिए तो ये सस्पेंस अभी तक, यही बताएंगे आपको। गाने का आइटम सरप्राइज होगा, सस्पेंस सरप्राइज है इसके लिए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले प्रॉमिस किया था कि जब मैं फिल्म करूँगा तो गाने दुख करेगा मेरा भाई। एक मैं एक रोमांटिक गाना कराना चाह रहा हूँ फिरोज से, और एक मेरा आइटम सॉन्ग है जो फिरोज करने वाला है। बहुत बहुत मुबारक हो।
आज से आप लोगों ने सबके साथ मिलकर रोजा खोला है, किसी जातिवाद विवाद के बिना। ये हमारे पंजाबन भाभी, ये हमारे जाट पाजी और गुजराती भाई, एक और सिंधी भाई, और ये पंजाबी और एक पठान, सबने साथ में बैठ के रोजा खोला है। और मैं चाहता हूँ सबके साथ ही ऐसे ही हो, इंडिया हिंदुस्तान ऐसे ही है। क्या बोलते भैया? बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे? मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई विकी का और भाभी का। इन्होंने मुझे एज ए जो मेरी फेडरेशन अभी मैंने शुरू की हुई है ग्लोफेड, एज ए चेयरमैन मैं यहाँ पर इनवाइट किया गया हूँ। तो इस फिल्म को जो इन्होंने जो इतनी बड़ी जो मुद्दा उठाया है उसके पर, और इतनी बड़ी जो डेयरिंग की हुई है कि नए लड़कों को इन्होंने कास्ट किया हुआ है और अच्छे लोगों को ये कास्ट करके और बड़ी फिल्में बनाना चाह रहे हैं, तो मेरी जो है ना वो दिल से इनके लिए दुआ है। और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म जल्द से, अभी इन्होंने स्पेन में शूटिंग करके आए हैं ये इस फिल्म की, और अनस ने भी काफ़ी मेहनत किया हुआ है, बाकी और भी मिकी वगैरह है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ जो है ना वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। नहीं, ये एक चीज़ ये बताइए कि आपका जो फिल्मी सफ़र है, आप कोई इंडस्ट्री में कल के आए हुए नए इंसान नहीं है, आपने इस इंडस्ट्री के में 20 साल बिता दिए। इस 20 साल में आज आप फेडरेशन के चेयरमैन बने हो, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर से लेके तक टेक्नीशियन तक के आपने जो जो मुसीबतें झेली है, वो मुसीबतें किस तरह आप दूसरे प्रोड्यूसर की कम करो? देखिए, मैं मुझे जो आज एज ए चेयरमैन लाया गया है, और ये मेरा ये हकीकत में मैं बताता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका है। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि पहली बार मैंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कहीं पर भी कि मैं फेडरेशन का चेयरमैन बन चुका हूँ। ये इनकी मेहरबानी, ये मेरे भाई लोग हैं, इनकी मेहरबानी कि आज मैं आप लोगों के कैमरे के सामने आ चुका हूँ अब कि मैं, और जो मुद्दे जो कंप्लेंट्स मेरे पास आई हुई हैं, चाहे वो यूनियंस की हो, चाहे वो कोरियोग्राफर से रिलेटेड हो, चाहे प्रोड्यूसर से रिलेटेड हो, तो जो हमारे वक्त में थी कभी इस तरीके की मुसीबतें, या जब वर्कर के साथ में जो भी पेमेंट इससे रिलेटेड है या और भी चीज़ें हैं, वो कभी नहीं देखी मैंने और ना ही कभी किसी ने की है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं अभी यहाँ पर आए हैं हम लोग, तो इसको जो मुसीबतें आई हैं उसको इंशाल्लाह ताला मैं ज़मीन से ख़त्म कर दूँगा। लेकिन इंडस्ट्री के हर एसोसिएशन के हर चेयरमैन कहीं ना कहीं करप्ट है, ये बात से आप भी वाकिफ हो। बिल्कुल। अब इसको किस तरह से हटाने की या कम करने की कोशिश करो? मैं दो चीज़ों के लिए आया हूँ, एक तो जो थ्रेड चल रहा है इस वक्त और जो कास्टिंग काउच चल रहा है, ये मैं सिस्टम के थ्रू मीन्स हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू, मैं मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि जो कास्टिंग काउच और जो थ्रेट और जो चल रहा है इस वक्त करप्शन, जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया है, इन चीज़ को मैं सिस्टम को साथ में लेकर ख़त्म करूँगा। मसलन किस तरह? मेरे बारे में तो खैर हर कोई जानता ही है कि जब इकबाल अत्तर वाला नाम आता है तो कहाँ कहाँ जाता है, लेकिन मैं इस वक्त अपना ऑरा अपने सिस्टम के साथ लाना चाहता हूँ कि मुझे लोगों ने एक ब्लैक शेड में देखा था, मैं ब्लैक शेड में नहीं हूँ, ना पहले था ना आज हूँ, मैं ग्रे शेड में हूँ। वो जो दो नंबर का जो आदमी कहा जाता है इकबाल अत्तर वाला, वो घूम गया है, हटा दिया है कि इकबाल ने उसको हटा नहीं, उसके बारे में मैं बोलता हूँ, उसके बारे में मैंने बताया आपको कि मुझे लोगों ने ब्लैक शेड बनाया गया था, मैं ब्लैक शेड नहीं हूँ। मैं उस वक्त भी मैंने इंडस्ट्री का भला ही चाहा है, मैंने हमेशा इंडस्ट्री के लिए काम किया है, मैंने इंडस्ट्री के लोगों के लिए काम किया है, मैंने उनका साथ दिया है, सपोर्ट किया हर तरीके से। अब मुझे ये मौका मिला है कि मैं वर्कर्स के लिए मुझे काम करने का मौका मिला, उनका हक उनको उन तक पहुंचाने का मौका मिला है, तो आज अगर मुझे ये मौका मिला है और मुझे चुना गया है तो इसके लिए मैं पूरा के पूरा उतरूंगा उनके लिए। तू शमा मैं परवाना, अतुल अग्निहोत्री एंड सोनाली बेंद्रे, इस पिक्चर को लेकर आपने इस फिल्म की 12 रील बनाई, उस टाइम पे अगर कोई फेडरेशन का चेयरमैन आपके फेयर में आता तो क्या आज वो पिक्चर बन के रिलीज नहीं होती? नहीं, रिलीज होती, उस वक्त भी रिलीज हो जाती थी। तो लेकिन आपको उस टाइम पे एहसास नहीं हुआ था कि वो उस चेयरमैन की एक जरूरत है जो हर पिक्चर को कम्प्लीट होने दो, वो पिक्चर आज आप बिल्कुल होने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज भी ऐसी कई फिल्में हैं, ऐसे कई वर्कर्स हैं, कई फिल्में हैं जो बंद पड़ी हुई है, किसी कहीं पर पैसों का मुद्दा है, कहीं पर किसी को पैसा नहीं मिला है, कहीं पर बहुत सी चीज़ें हैं जो कंप्लेंट मुझ पर मेरे पास अभी भी आ चुकी हैं। कई मैं तो बताता हूँ कि इनके ऊपर FIR तक भी हो चुके हैं लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, पहुंचाने वाला नहीं है। लेकिन अब इंशाल्लाह वो वक्त आ गया है
कि अब मैं कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, मैं नहीं देखने वाला, मैं सिस्टम को साथ में लेकर और इसका सफाया करूँगा। एज ए प्रोड्यूसर विक्रम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने इकबाल भाई को पहले कुछ अलग शेड में देखा है, अब इनको आप पूरे अलग शेड में देखेंगे। तो मेरा और इकबाल भाई आज से अभी का यारा नहीं है, बहुत पुराने हम दोस्त हैं। कि पहले भी वाइट कॉलर थे और आज भी वाइट कॉलर है, क्योंकि तो कुछ चीज़ें होती हैं कि एक आदमी के पीछे जबरदस्ती लगाई जाती हैं, तो इनको काफ़ी लोगों ने नेगेटिव करने की कोशिश की है। ये पहले भी सितारा थे, आज भी और आने वाले टाइम में भी सितारा रहेंगे। और आने जो आप बोल रहे हैं कि मेरा भाई चेयरमैन बना है, तो ये यकीन रखिए कि अभी कुछ इंडस्ट्री इंशाल्लाह पूरी चेंज होगी। कुछ लोग आसमान सातवें आसमान पर बैठे हुए होते हैं और साबित भी हो चुका है कि है, फिर भी वो अपने आप को बहुत पीछे लेके जाते हैं, उसमें से एग्जांपल एक आप भी हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्या होता है कि कुछ दिखाते हैं कुछ नहीं दिखाते हैं, तो जो बंद पर्दे में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं मैं उनमें से ही, और इंशाल्लाह वही हम चाहते हैं वही रहें ज़्यादा। लेकिन आप भी अपनी बहुत जल्दी पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हो? मैं आखिर में इतना ही चाहूँगा कि अभी जो भी फेडरेशन मैंने शुरू की है, जो भी मेरे वर्कर्स हैं, जो मेरे आर्टिस्ट हैं आने वाले और आगे फ्यूचर में, जिन लोगों को मैंने जो जो सपोर्ट्स किया हुआ, अभी हमने आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अनाउंस की हुई है जो राजू भाई आप लोगों को बता देंगे। तो हमारा जो मेन मुद्दा यही है कि जो भी इस वक्त इंडस्ट्री में चल रहा है, चाहे वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड हो, चाहे आर्टिस्ट से रिलेटेड हो, काम नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, कार्ड है तो काम नहीं मिलता है, बेकार्ड है तो काम मिलता है, इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और सिस्टम ने मेरा पूरा साथ दिया, तो मैं एक एक को नकाबपोश कर दूँगा। और सब एक चीज़ में आप बना रहे हैं, ये आप सबको पता है मैं यूरोप से हूँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ, बेसिकली आई एम सिटीजन, स्पेनिश सिटीजन, मैं यूरोप से ही हूँ और बेसिकली मेरा पूरा हावर मेरा लाइन रेस्टोरेंट से है, होटल्स मेरा ऑलरेडी, बेसिकली मैं इस फेडरेशन को लंदन और पूरे यूरोप मैं साथ लेके जा रहा हूँ। और आने वाले कुछ टाइम के बाद भाई स्पेन आ रहे हैं मेरे पास, और बहुत बड़ी मीटिंग है हमारी स्पेन के साथ, स्पेन गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड हो रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्लूड हो रही है, मैंने की है इनमें, और कैनेडियन गवर्नमेंट से मेरी ऑलरेडी बात होगी, इस फेडरेशन को लेकर बात हुई है। भाई इन कंट्री में भी हमारा हिंदुस्तानी भाई राज करेगा और इंशाल्लाह झंडा फहराएंगे इंडियन गांव लोग वहाँ पे भी। अरे एशियन में जाने की जरूरत पड़ती है तो आप के दोस्त हैं, तो क्या इस दोस्ती का पूरा फायदा उठाओ? देखिए इकबाल भाई दोस्त है और भाई हैं, लेकिन इनका एक असूल सबसे मुझे अच्छा लगता है, जो जायज़ है वो उसका साथ देते हैं। सो बेस्ट पार्ट ये है कि जो अगर मैं गलत हूँ तो मेरा भी साथ नहीं देंगे, वो मुझे इतना मालूम है, इसीलिए आज उनको चुना गया है उसके लिए कि उस जगह पर बैठाया गया है कि वो सबके साथ एक जैसा उसूल कायम कर सके। सो बस बाल भाई को हमारी सबकी दुआ है, ऐसे आगे बढ़ते रहे और हम जैसे एक्टर्स को प्रमोट करते रहे।